दोस्तों, फाइनली हुआवे ने अपना हुआवे P40 लाइट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हुआवे ने अपना P40 और P40 प्रो स्मार्टफोन को भी लॉन्च किया है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हुआवे P40 लाइट की अनबॉक्सिंग करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गैजेट अनबॉक्सिंग की एक नई एपिसोड पर। तो फाइनली आपको वाइट कलर का बॉक्स मिलता है। इसके अलावा नीचे साइड यहाँ आप लोगों को हुआवे P40 लाइट 6 GB की रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो ये अभी लाइट वर्जन है, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। जैसे ही बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और लेयर देखने को मिलता है और यहाँ आपको क्विक यूज़र गाइड देखने को मिलता है, यहाँ आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा आपको सिम इंजेक्टर टूल भी मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको वाइट कलर का चार्जिंग एडाप्टर दिया गया, जो कि 40 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको वाइट कलर का टाइप सी केबल भी मिल जाता है, तो वाइट वाइट में दिया गया है। तो ये अच्छी बात है कि आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको एक और बॉक्स छोटा सा देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 3.5 mm का वाइट कलर का हेडफोन भी मिलता है, जो कि इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, जो कि आप लोग यहाँ देख पाओगे। तो हर एक चीज़ इस बॉक्स में वाइट कलर का दिया गया है, चार्जिंग हो, टाइप सी केबल हो या फिर हेडफोन हो। तो ओवरऑल बॉक्स के अंदर ये सारी एक्सेसरीज मिलते हैं। अब नज़र डालते हैं स्मार्टफोन की तरफ और आप लोगों को स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक दिखाना चाहूँगा। तो हमने इसे पॉलीथीन के रैपर से बाहर निकाला और आपके सामने है हुआवे P40 लाइट का फर्स्ट लुक। तो प्लीज़ अगर ये स्मार्टफोन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। दोस्त, बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी है। तो यहाँ आपको 4 रियर कैमरे का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का माइक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर वाला कैमरा मिलता है। और नीचे LED फ्लैश भी दिया गया है दोस्तों, और नीचे हुआवे का ब्रांड नेम भी आप लोगों को मिल जाता है। तो इस तरह से आपको बैक साइड इसकी डिज़ाइनिंग देखने को मिलता है और कैमरा क्वालिटी के मामले कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और वहीं बॉडी डिज़ाइनिंग आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसकी बॉडी डिज़ाइनिंग। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे सबसे पहले राइट साइड वॉल्यूम रॉकर कीज़ एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ लेफ्ट साइड सिम ट्रे बॉक्स देखने को आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा नीचे साइड आपको हेडफोन पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट और माइक और स्पीकर ग्रिल यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से इसका बॉडी डिजाइनिंग रखा गया है। ओवरऑल आप नज़र डालते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइनिंग, कि किस तरह से इसका डिस्प्ले साइज़ है। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.40 की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विथ पंच होल के साथ आता है। आप लोग देख पाओगे ये जो पंच होल कैमरा है दोस्तों, 16 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f/2.0 है। और ये स्मार्टफोन होने लगा बूट, और इसी स्मार्टफोन में आप लोगों को एंड्रॉयड 10 विथ EMUI 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। और वहीं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को सिलिकॉन क्रीन का 810 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 7 nm का है। और वहीं GPU आपको मालिक का G52 वाला GPU मिलता है। और स्टोरेज में पहले बता चुका हूँ ये स्मार्टफोन 6 GB की रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन का क्लियर लुक। और वहीं बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4200 mAh की नॉन रिमूवेबल वाली बैटरी मिल जाता है। और वहीं आपको 40 वॉट का फास्ट चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो आशा करता हूँ ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।